गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सुई पैलेस में लंच चल रही है। क्या बात है, जबरदस्त खाना चल रहा है। तो हम पवार साहब के पास जाएंगे और पवार साहब के पूछे थे, सर खाना कैसा था आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया रहा, दो दिन का सेशन जा रहा, मज़ा। आज सुबह का जो संध्या का जो प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया रहा, मोटिवेशन तो रहा ही रहा। जैसी कंपनी कहाँ पर जा रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या है और जिस कंपनी के साथ हम रहते हैं कहाँ पर पहुँच सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। वो काफ़ी मोटिवेशन रही हमारे लिए, प्रेरणा दायक रही। इसके आगे हमारा जो पिक्चर है, जो फ्यूचर है हमारा, ये क्लियर दिख रहा है कि हम कुछ साल में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारी इनकम कहाँ पर है। थैंक यू। ओके सर, और इनका स्पॉन्सर जी हैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा, सर आज का मीटिंग कैसा लगा, सुई पैलेस में कैसा महसूस हो रहा है सर, और जो नहीं आए उनका मैसेज क्या देना चाहते हैं सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो जो नहीं आए आई उन्होंने बहुत मिस किया, और आप आते तो आपको बहुत कुछ हाथ सीखना मिलता था, आपका भी इनकम बढ़ सकती थी। आप आते ही नहीं है इसके लिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, यहाँ आते रहिए, सीखते रहिए, और इसमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस भी पाते रहिए। तो हमारे और भी सहकारी है, उनका भी हम राय लेते हैं। और हमारे साथ में नया डायमंड सुई पैलेस में आए हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं अवधेश प्रजापति जी से, कैसा लग रहा है सर सुई पैलेस में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आज का एंजॉय। आप लोग भी जो भी बाकी है, जो भी देख रही है, जरूर आइए। सुई पैलेस का तो प्रोग्राम कभी मत छोड़ना, बैठे बैठे क्या होगा, बैठा हुआ आदमी बैठा हुआ पानी सड़ जाता है, चलते रहिए। वाह, वेरी नाइस मैसेज दिए सब लोग ने, और बहुत जबरदस्त लगा दोस्तों। ऐसा जिंदगी, ऐसा हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी कहाँ मिलेगा बताइए। अगर डीएक्शन में नहीं है तो फॉर्म भरिए और डीएक्शन में आइए और ऐसा मौज मस्ती कीजिए। दुनिया में ऐसा मौज मस्ती कहीं नहीं है, मैं देख चुका हूँ, क्योंकि मैं भी मास्टर हूँ, टेलर कपड़े सिलता था, बहुत बिजी रहता था। आज दो दिन बंद करके दुकान आया हूँ, ये है मेरा खासियत, और इसीलिए मैसेज करता हूँ सर, सब लोग जरूर आओ, जरूर से आवे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू।